पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा लुढ़कता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कम 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। लाहौल स्पीति के ताबों में ये 0 से 12.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात के तौर पर दर्ज की गई है। श्रीनगर में रात का तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं और दैनिक कामकाज पर असर पड़ने लगा है। अभी 4 दिन ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों में औसत न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। हरियाणा के हिसार और राजस्थान के चुरू में सबसे कम 4.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले इलाके, झारखंड, सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बुधवार तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 12 दिसंबर तक कहीं हल्का तो कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर शीतलहर भी चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सोमवार रात को 7 जिलों का न्यूनतम पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूनतम पारा 5.9 दर्ज किया गया। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, कई जगह पानी के पाइप जम गए हैं। चंबा किलाड़ बाया सचे जोत मार्ग बंद हो गया है। वहीं मनाली लेह मार्ग पर सफर करना खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बर्फबारी व बारिश का असर बुधवार को देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 11 और 12 दिसंबर को पाला पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में शीतलहर से भी ठिठुरन बढ़ेगी। पूर्वानुमान के अनुसार 13 दिसंबर के बाद प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मंगलवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री की कमी के साथ 21.8 डिग्री पर रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री की कमी के साथ 5.6 डिग्री रहा। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री में मंगलवार से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी जम्मू और श्रीनगर में सोमवार को सीजन की सबसे सर्द रात बीती। घाटी में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। गुलमर्ग -9 डिग्री पारे के साथ लगातार 3रे दिन प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। लगभग सभी जिलों में दिन के साथ रात का पारा सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक नीचे चल रहा है। पर्यटन स्थल पहलगाम में सर्द हवाएं परेशान कर रही हैं। कई जगह जल स्रोत जमने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। लेह में -13.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बदलते मौसम को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।